आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत सारे सवालों को लेने वाली हूँ जो कि डॉक्टर्स आपको खुल करके नहीं बताती हैं। डॉक्टर ने अगर आपको वजाइनल टैबलेट प्रिस्क्राइब किए हैं तो वो सिर्फ आपको यही बोलेंगे कि एक हफ्ते के बाद या फिर 10 दिन 15 दिन के बाद मुझसे मिलना, लेकिन घर जाने के बाद आपके साथ क्या क्या सवाल होते हैं वो सब के बारे में एज अ कंपाइल फॉर्म आज इस वीडियो में मैंने बनाए हैं। सारी बातें आपको बताई हैं जो कि एक औरत ज़रूर फेस करती है कि वजाइनल टैबलेट का आप इस्तेमाल कैसे करेंगी, क्या दिक्कतें आ सकती हैं, सब के बारे में कंप्लीट नॉलेज देने वाली हूँ। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि वजाइनल टैबलेट अगर आपको प्रिस्क्राइब किया गया है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ आपकी यूटीआई की समस्या बन रही है, यानी कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन बन रहा है, या तो अगर आपको रेडनेस है, रैशेस है, इचिनेस है, इन्फेक्शन फंगल भी हो सकते हैं, बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर ने आपको वजाइनल टैबलेट प्रिस्क्राइब किया है। दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न होता है आपकी प्रेगनेंसी। अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल अर्ली प्रेगनेंसी है, जिस टाइम पर बच्चे को एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उस टाइम पर आपको प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन लगते हैं, या तो फिर डॉक्टर्स आपको वजाइनल टैबलेट्स देती हैं प्रोजेस्टेरोन के, जिससे कि बच्चे को एक्सटर्नल सपोर्ट मिल सके। तो इन दोनों ही कंडीशन में आपको वजाइनल टैबलेट प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। अब घर आके महिला के मन में एक क्वेश्चन होता है कि इसका हम इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि अब तक बचपन से लेकर आज तक हमने सिर्फ और सिर्फ वजाइनल टैबलेट्स सुना ही नहीं है नाम, और हमेशा हमेशा सिर्फ ओरल ही टैबलेट इस्तेमाल किया है, मतलब नाम ही नहीं सुना है। तो वो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं, महिलाएं कई बार घबरा भी जाती हैं, क्योंकि पहली बार मुझे भी बहुत ज़्यादा घबराहट होती। लेकिन मैं आपको यकीन मानिए दोस्तों कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर ने अगर आपको प्रिस्क्राइब किया है तो कुछ सोच करके ही प्रिस्क्राइब किया है। दूसरी चीज़ है कि इस दवाई का इस्तेमाल आपको सिर्फ और सिर्फ बेड टाइम पे ही करना है, क्योंकि जनरल केसेस में नॉर्मली डॉक्टर आपको एक दिन में एक ही टैबलेट प्रिस्क्राइब करती है, वो भी आपको रात के रात ही उसको इंसर्ट करना होता है। जब अगर आपका पूरा काम खत्म हो जाता है, आप अपने सारे कामों से, जो भी आपका यूरिन पास करना, नहाना, जो भी आपका रात का जो एक नॉर्मल रूटीन है, अगर आप कंप्लीट कर लेती हैं, जब अगर आप बिल्कुल सोने वाले मुद्रा में होती हैं, उस टाइम पे ही आपको वजाइनल टैबलेट का इस्तेमाल करना है। लेकिन मेक श्योर करिए कि आपके हाथ बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन होने चाहिए, हाथ क्लीन होने चाहिए। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि आप एप्लीकेटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जो कि दवाइयों के साथ दी जाती है। एक लंबी सी प्लास्टिक नुमा एक चीज़ होती है, उसके ऊपर आपको दवाइयाँ रखनी होती है और अपने प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट करना होता है। लेकिन कई बार टैबलेट के साथ वो एप्लीकेटर दिया ही नहीं जाता है, तो उस टाइम पे आप हाथों का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन इन दोनों ही कंडीशंस में अपने हाथों को अच्छी तरह से क्लीन करिए। क्लीन करने के बाद आप पहले देखिए कि आपके नाखून बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होने चाहिए। जिस फिंगर से अगर आप इंसर्ट कर रही हैं, उस फिंगर के नाखून तेज़ नहीं होने चाहिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको किसी ऊंचाई वाली जगह पे अपने एक पैर को उठाना है और वहाँ पर आपको प्राइवेट पार्ट में उसको इंसर्ट करना है। लेकिन मेक श्योर करिए कि आपका इंसर्शन 1 से 1.5 इंच अंदर होना चाहिए। थोड़े ऊपर अगर आप जाइएगा तो आपके सर्विक्स वहाँ पर लोकेटेड होता है, उसके आसपास या उससे थोड़ा पहले ही आप उस टैबलेट को रख सकती हैं, जहाँ पर वो सेफली अपना काम करता रहे और आपके जो भी इन्फेक्शन है या फिर जो जिस भी वजह से डॉक्टर ने आपको दी है, उस गोली का काम होता रहे। अब चौथे मन में सवाल ये होता है कि बहुत सारी महिलाओं को उसका रेसिड्यूअल निकलता हुआ दिखेगा, कि वो पिघल पिघल के वो टैबलेट निकल रहा है। तो इसके लिए मैं आपको यही जवाब देना चाहूँगी कि अगर आपने 4 घंटे 5 घंटे भी अगर दवाई को होल्ड करके रख लिया, तो दवाई ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, वो अपना काम कर रहा है। उसके बाद जो आपको रेसिड्यूअल निकल रहा है, तो कई बार वो रेसिड्यूअल तो पिघल करके निकलता ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपके प्राइवेट पार्ट का म्यूकस भी या कुछ डिस्चार्जेस भी निकलते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है महिलाओं के लिए। तो आप इसको बिल्कुल इसको लाइटली लें, उसको बहुत ज़्यादा टेंशनाइज ना हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, कुछ मुझे परेशानी तो नहीं है। अगर वो निकल रहा है तो वो नेचुरली निकल रहा है, लेकिन अगर 4 से 5 घंटे भी आपने होल्ड कर लिया, तो वो अपना काम अच्छी तरह से कर लेगा और आपकी दवाई का असर भी होगा। तो आपको इस तरह की चिंताओं में नहीं पड़ना है। लेकिन आपको मैं यही सलाह दूंगी, पांचवा एक इंपॉर्टेंट टिप है कि अपने वजाइनल हेल्थ का अच्छी तरह से केयर करें, क्योंकि जिस तरह से आप फेस का केयर करती हैं, आपके होल बॉडी का भी केयर करना जरूरी है। और स्पेशली महिलाएं अपने वजाइनल पार्ट को अगर अच्छा हेल्दी बनाना चाहती हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने अलग एक वीडियो में बनाई हुई है, आप उसको चाहे तो एज अ रेफरेंस भी देख सकते हैं कि किन किन बातों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये जो वजाइनल टैबलेट्स हैं, इतनी ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आप पहली बार सुन रही हैं
तो आपको ये टेंशन हो सकती है इस बात की, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये कुछ रेसिडुअल वगैरह भी निकलते हैं। अब रही सवाल जो कि सिक्स इंपॉर्टेंट है कि महिलाएं जब अगर इंटीमेट होती हैं उस टाइम पे ये गोलियां परेशान तो नहीं करेंगी, तो आपको मैं यही बता दी हूँ, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपके जो भी काम है, जो कि आपका डेली का एक काम है या जो आपका एक नॉर्मल रूटीन है, आप वो सारे काम निपटा लीजिए, उसमें आपका इंटीमेट मोमेंट्स भी आता है। जब अगर आप सोने वाले मुद्रा में होते हैं उस टाइम पर आपको टैबलेट्स को इंसर्ट करना है और कोशिश करें कि आप उसको 5 से 6 घंटे का होल्ड ज़रूर दें, उसके बाद ही आप यूरिन पास करने जाएं तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर यूरिन भी होती है तो भी वो दवाई का असर होता है, बहुत ज़्यादा क्लीन करने की, पानी से उसको वॉश करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब अगर आप उठिएगा उस टाइम पे आप नॉर्मल, जैसे आप वॉशिंग करती हैं, जैसे स्नान करती हैं, आप नॉर्मल वॉश करिए, लेकिन रात में जब अगर आपको रेसिड्यूअल दिख रहा है तो उस टाइम पे वॉश करने की या वाइप करने की आवश्यकता नहीं है, उसको एज इट इज़ ही रहने दीजिए। अब सातवां बहुत इंपॉर्टेंट सवाल क्या होता है कि वजाइनल टैबलेट्स को हम ओरली ले सकते हैं क्या? तो मैं आपको यही बोलूँगी कि जिसका जो काम है उसको करने दीजिए। अगर इंजेक्शन को आपको यहाँ देना है तो इंजेक्शन को यहीं देना है, वो सबका एक क्राइटेरिया होता है, सबका एक पार्ट होता है, इंजेक्शन को मुंह में तो नहीं लगा सकते हैं ना। उसी तरह से अगर वजाइनल टैबलेट्स का काम वजाइनल ही करने दीजिए, ओरल टैबलेट्स का काम ओरल होना चाहिए, यानी कि हर चीज़ के क्राइटेरियाज अलग अलग होते हैं, सबकी नीड अलग अलग होती है, और वहाँ पर आपको इंसर्ट करने के लिए इसीलिए बोला जाता है ताकि आपका जो इंटरनल जो वहाँ पर आपका बन रहा है, थोड़ा इन्फेक्शन के लेवल बन रहे हैं या फिर आपके बच्चे को निचले अंगों से सपोर्ट चाहिए होता है, तो उन दोनों ही केसेस में डॉक्टर ने आपको वजाइनल टैबलेट प्रिस्क्राइब किए हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही आपको ये टैबलेट प्रिस्क्राइब किया है, तो उन पे भरोसा रखें। और कुछ भी अगर मन में डाउट रहती है तो आप अपने डॉक्टर से भी खुल करके बात कर सकते हैं, उसके बारे में वो बता देंगे। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि ओरली भी बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, जैसे कि अपनी डाइट को आप अच्छा अगर रखते हैं या फिर प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करती हैं तो आपको बहुत हद तक ये सारी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे होता क्या है कि हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं, बहुत तरह तरह के नॉनवेज खाते हैं, उससे आपकी वजाइनल हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। साथ ही साथ अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट की हाइजीन भी नहीं रख रही हैं, उससे भी आपके ये सारे जो पीएच होता है बैलेंस होती है, उससे आपको परेशानी होती है। तो कोशिश आप ये करें कि क्लीन डाइट रखें जिसके अंदर प्रोबायोटिक अच्छा होना चाहिए, विटामिन सी अच्छा होना चाहिए, ताकि आपकी वो हेल्थ भी, यानी कि जो आपके प्राइवेट पार्ट की हेल्थ है वो भी अच्छी बनी रहे और ओवरऑल हेल्थ भी आपका अच्छा रहे। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड केयर।